गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज का जो वीडियो है उसमें मैं कुछ काजल्स शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने शायद से मेरा पर्पल हॉल वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए उसको। तो उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो उनमें से ये काजल भी थे। ये कुछ काजल्स मैंने मंगवाए थे जो सारे अंडर 100 है और काम गजब का करते हैं, बहुत अच्छे हैं सारे। तो आज मैं इन्हीं का रिव्यू करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ये जो सारे काजल्स हैं वो मैंने purple.com से मंगवाए हुए हैं। ये एनवायरवे का काजल है और ये स्टेकोएरकी का काजल है और ये बेला वोस्टे का काजल है और ये भी एनवायवे का काजल है। सारे ही काजल अंडर 100 हैं, मतलब इनका एमआरपी कुछ का 100 से थोड़ा ज़्यादा है, पर हमेशा कम से कम आपको 15-20% डिस्काउंट तो मिलता ही है। तो सारे आपको अंडर 100 ही मिलेंगे। तो चारों काजल में मैं जिसको फोर्थ नंबर पर रखने वाली हूँ वो है ये एनवायवे का लॉन्ग आइलैंड काजल। ये आई पेंसिल है तो आपको इसको यूज़ करने से पहले इसको शार्पनर यूज़ करना पड़ेगा और ये क्रीमी फिनिश देता है। साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। मैंने अपने अपर आईलिड पे इसको ही लगाया हुआ है, तो आप इसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। मोटा काजल लगाने का शौक है अगर आपको, तो इससे आप आसानी से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन सबसे अच्छा है। बस इस ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसमें लिखा हुआ है लास्ट अप टू 12 आवर्स, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुश्किल से 3-4 घंटे ही चलता है। इसके साथ ही इसका वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, वाटरप्रूफ है, स्मच फ्री है, क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट है। बस इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और जब भी हम किसी काजल को जज करते हैं तो इसी बेस पे जज करते हैं कि वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसीलिए मैं इसको फोर्थ नंबर पे रख रही हूँ। ये प्रोडक्ट आपको 2.5 ग्राम का मिलेगा। इसका MRP 85 रुपीज़ है, आफ्टर डिस्काउंट आपको मतलब बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। सस्ते के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बस प्रॉब्लम यही है कि 3-4 घंटे तक ही चलेगा। सो नेक्स्ट जो काजल है जिसको मैं थर्ड नंबर पर रखती हूँ वो है ये एनवायवे का द बिग एप्पल ऑफ माय आई। सो ये है, ये स्टिक फॉर्म में है और इसको बार बार आपको शार्प करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो क्वांटिटी है वो 0.25 ग्राम्स की क्वांटिटी है। एमआरपी सेम है 85 रुपीज़, आफ्टर डिस्काउंट आपको जो भी डिस्काउंट मिल जाए। इसके बाद इंटेंस ब्लैक कलर है, सिंगल स्ट्रोक है, वाटर प्रूफ है, वाटर असिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है, क्रुअल्टी फ्री है, सारी खास बातें हैं। बस ये है कि आप इसमें लिखा हुआ है लास्ट अप टू 12 आवर्स, जो कि 12 आवर्स बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये भी सेम 3-4 घंटे ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ये प्रोडक्ट आपको देता है रेडिएंट फिनिश और इसका सिंगल ही शेड, ये ब्लैक शेड में ही अवेलेबल है और किसी शेड में अवेलेबल नहीं है। तो मैं किसको सेकंड और फर्स्ट नंबर पर रखूँ उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बेला वोस्टे और स्टेकोएरकी, ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम हैं। थोड़े से डिफरेंसेस हैं क्योंकि मैं स्टेकोएरकी को पहले से यूज़ कर रही हूँ, पहले भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे इस बार ये बेला वोस्टे का जो काजल है वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो पहले हम स्टेकोएरकी की बात कर लेते हैं। ख़ास बात ये है कि हाईली पिगमेंटेड है और बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर है इसका और फुल कवरेज देता है। रेडिएंट फिनिश है, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ तो है ही, साथ ही साथ क्रुअल्टी फ्री है। ये भी आपको 0.25 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है और इसका जो MRP है वो 125 है। डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, तो ये भी आपको अंडर 100 ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें 6 शेड्स अवेलेबल हैं, तो आपके पसंद का जो भी शेड हो आप वो उसको चूज़ कर सकते हो। इसका भी एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है और इसकी लास्ट अप टू 12 आवर्स है, तो 12 आवर्स तो नहीं, पर हाँ 8-10 घंटे ये आंखों पे लगा रहेगा। काफ़ी अच्छा काम करता है। तो फर्स्ट नंबर मैं दूंगी ये बेला वोस्टे का काजल। ख़ास बात ये है कि मेरी
स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आँखों के पास बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, तो मेरी आँखों पे काजल बहुत कम टिक पाते हैं, बहुत देर तक नहीं टिकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा प्लम का काजल यूज़ करती हूँ। पर जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये काफ़ी हद तक अच्छा काम किया मेरी आँखों पर, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट नंबर पर रखती हूँ। स्मज प्रूफ है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा, सबसे खास बात है स्मज बिल्कुल नहीं होगा, वाटर प्रूफ है, इंटेंस ब्लैक कलर है, फुल कवरेज देता है। इसका जो क्वांटिटी है वो 0.25 ग्राम है और इसका जो प्राइस है 149 है, तो आफ्टर डिस्काउंट आपको अंडर 100 ही मिलेगा ये भी, ये प्रोडक्ट भी आपको, तो मतलब अंडर 100, इतना अच्छा काम किया इसने, इतने सस्ते में इतना अच्छा काम किया, इसीलिए मैं इसको फर्स्ट नंबर पर रखती हूँ। और मैं कहूँगी कि अगर आप कोई अच्छा काजल यूज़ करना चाहते हो, सस्ता अच्छा, तो इसको आप ज़रूर परचेस कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। इसके आपको कोई भी शेड्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ सिंगल शेड में ही आता है, इसमें आपको सिर्फ ब्लैक कलर ही मिलेगा। तो ये था एन बाय वे का लॉन्ग आइलैंड काजल, जिससे आपको पता चल जाए कि ये सारे काजल कितने पिगमेंटेड हैं। तो ये है फिर सेकंड जो मैंने बताया था एन बाय वे का एप्पल ऑफ माय आई, ये टूट भी गया क्योंकि मैंने ज़्यादा निकाल लिया था। इसका ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा है। और तीसरा ये और फोर्थ माय फेवरेट, सी ये है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप इनमें से जो भी आपको काजल पसंद आया, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका परचेसिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।